हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो ये हमारा 1 साल पहले का एक ट्रिप है, तो मैं रिकॉर्डिंग करके रखा था, तो सोचा कि आज आप सबके साथ शेयर करूं। तो हम लोग क्वांटम बीच से, ओमान के क्वांटम बीच है, तो उधर से हम लोग एक आयरलैंड के तरफ निकल रहे हैं। तो 2-3 फैमिली हम लोग निकल रहे थे, तो एक लंचर के मदद से, मतलब एक आज की मदद से हम लोग सब जा रहे हैं। तो उधर पूरा दिन हम लोग स्पेंड करेंगे। मतलब अभी टाइम हुआ है सुबह की 10 बजे शायद, हाँ 10 बजे की टाइम हुआ है। तो हम लोग अभी जाएंगे, तो ये देखिए कितना सुंदर अभी स्टार्ट हो गया है और हम बीचों बीच आ गए हैं समंदर की। तो बच्चे और सब लोग आराम से अपने अपनी सीटों में बैठ गए हैं। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड थे, तो हमारे जो बोट है उसके बीच में से ही पानी आ रहा था, मतलब साइड में इतना ज़्यादा ऊपर पानी आ रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि हम लोग मतलब समुंदर की आधा में घुस गए हैं, ऐसा लग रहा था। और इधर का माउंटेन ये देखिए, समुंदर के अंदर इतना अच्छा माउंटेन, और इसमें जो स्क्रैचेस आए हैं ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत एकदम एक्साइटेड की जैसा है, क्योंकि ये जो अमान है पूरा समुंदर के अंदर में डूबा हुआ था। तो धीरे धीरे टाइम की गति के साथ ये पीछे खींचते हुए ये जो पत्थरों को ऐसे काट काट के ऐसे इसके ऊपर स्क्रैच आया है। तो इसका ये एक था मतलब इसके पीछे कहानी तो बता दिया। तो देखिए इधर आयुष है और मेरे फ्रेंड, दो फ्रेंड है, इनको इनमें से एक फ्रेंड मेरे चले गए हैं, इंडिया चले गए हैं वो, पर एक और फ्रेंड है मेरे साथ अभी भी। तो ये देखिए अभी हस्बैंड आयुष और सूर्या में सब अच्छे से बैठे हैं। बच्चे दोनों बहुत ज़्यादा डर रहे थे क्योंकि पानी समंदर के अंदर थे ना हम लोग, तो ये जो बोट है थोड़ा सा हिलडुल रहा था, तो बच्चों को तो डर लगता ही है। तो आगे आगे देखिए, आप लोग प्लीज़ स्किप मत करिएगा। तो ये देखिए कितना अच्छे से होल हुआ है ये जो माउंटेन के अंदर से, तो ये पानी कितना गहरा होगा कोई कुछ भी पता नहीं है, बहुत ज़्यादा गहरा है। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि कहीं पे भी ऐसे पिकनिक का स्पॉट हमें मिल जाए। तो बोट वाले जो भैया है वो हमें बता रहे थे कि इधर में कुछ जगह है इसमें ऐसे कि रात में पानी में डूब जाता है और सुबह होते ही ये थोड़ा सा पानी पीछे आ जाता है, पानी जगह दिखने लगता है। तो हम लोग ऐसे ही एक जगह की तलाश कर रहे थे, तो बोट वाले भाइयों को, उनको पता है, वो कितने सारे टूरिस्ट को ऐसे लेके जाते हैं ना, तो उन्हें पता है। तो हमें लेके वहीं जा रहे थे, तो हम लोग जगह सिलेक्ट कर रहे थे कहीं पे कैसा न्यारो सा हुआ था और कहीं पे ऐसा ज़्यादा भीड़ लग रही थी ऐसा लग रहा था, पर एक और स्पॉट हमें मिल गया था तो उस तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो ये देखिए समुंदर के अंदर कितना माउंटेन इधर दिखाई दे रहा है, और सॉरी बैकग्राउंड में आयुष का साउंड आ रहा है तो इसलिए। तो इधर पानी भी देखिए, मैं ग्रीन पानी ऐसे सुना था पर इतना करीब से मैं नहीं देखा था, तो बहुत अच्छा लगा, पूरा ब्लू ब्लू ग्रीन ग्रीन इसी का मिक्स एक कलर का ये पानी है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब कांच की तरह दिख रहा था। तो हम लोग सारे के मुंह पे ऐसे 32 दिखाई दे रहा है, मतलब इतना खुशी, ऐसा वाला एक्साइटमेंट ट्रिप पे हम लोग पहली बार जा रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए कैसा लग रहा है ये व्यू। तो ये सब कुछ फ़ोटो था अभी जाते वक्त। तो हम लोग एक आइलैंड में पहुंच चुके हैं,
इधर कितने लोग टेंट लगा के बैठे हुए हैं, और ये देखिए उसका पूरा 360 व्यू हम लोग दे रहे हैं आपको। तो अभी ये देखिए, ये हस्बैंड रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो हम लोग अभी रेडी हो रहे हैं। क्या कुछ क्या किधर क्या रहेगा, पूरा एक दिन रहना है हमें, इवनिंग को जाना है, तो इसीलिए सब कुछ सेट कर रहे हैं। और खाना भी हम लोग घर से प्रिपेयर करके लेके आए हैं, तो आगे देखिएगा क्या हम लोग ने बनाया है। तो बच्चे लोग भी अपना खेल मस्ती स्टार्ट कर दिया है। तो ये देखिए, पानी जो है ना ब्लू कलर का एक टैंक दिखाई दे रहा होगा सामने, तो इसका अभी ये डूब गया है, पर कुछ देर बाद ये एकदम खाली हो जाएगा, पानी नीचे चला गया होगा। और पानी कितने अंदर चला जाता है सुबह के टाइम पे, मतलब शाम के टाइम पे, अभी दिन में पानी अंदर चला जाएगा, रात को ये पूरा आइलैंड कवर हो जाएगा पानी के साथ। तो इसीलिए हम लोग पहले सुबह में आए हैं। तो अभी कुछ लोग इधर नाइट स्टे कर रहे थे और वो लोग जा रहे थे, तो हम लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। और ये रहा हमारा टेंट, और आयुष इधर खेल रहा है। ये रेत भी देखिए कितना वाइट वाइट है, मैं पहली बार देखा इतना वाइट रेत। तो सब कुछ ये नया एक्सपीरियंस था। तो अभी हम बच्चे लोग बोट में बैठ के आए थे ना, थोड़ा जैसे प्यासी टाइप का उनको फील आ रहा था, उनके फेस में लग रहा था, तो हम लोग कुछ ऐसे स्नैक्स वगैरह उनको खिलाएंगे अभी। तो इधर बच्चों को खिलाने के बाद हमारा फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो गया है, और कुछ देर बाद हम फ़ोटो उठाएंगे और खाना बना बनाएंगे। तो हस्बैंड और भैया लोग वो सारे लग बनाएंगे खाना। तो हम लोग आज बारबेक्यू बनाने वाले हैं। तो ऐसा प्रिपरेशन पहले से ही चिकन को मैरिनेट करके घर से लेके आए हैं। तो अभी थोड़ा सा फ़ोटो हो गया है, ये देखिए चिकन लेके आए हैं, और उसमें टिक्का मसाला, मतलब जो जो होता है, दही, हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, ये सब डाल के मैरिनेटर करके ओवरनाइट रख दिया था। तो इधर भैया और हस्बैंड धो धो ये आग लगा रहे हैं बारबेक्यू के लिए। तो वो सारे सेटअप वो कर रहे थे, मैं थोड़ा ऐसे रिकॉर्डिंग कर लिया था। उस वक्त हम लोग यूट्यूब नहीं बना रहे थे, तो इतना कुछ पता नहीं था कि कैसा वीडियो बनाना है, बस ऐसे ही रैंडमली हमें बना लिया था। तो ज़्यादा सेक हो रहा है वीडियो, तो सॉरी, माफ़ कर देना। तो ऐसा है, अभी बारबेक्यू का ये जो आग सेट करेंगे, देन उसके बाद ऊपर से ऐसे थोड़ा सा चिकन को जैसे ग्रिल करते हैं वही ग्रिल करेंगे। और हम इधर हम लोग बच्चों को खाना खिला के ड्रेस वगैरह चेंज करके हम लोग रेडी हो रहे हैं पानी में नहाने के लिए और बहुत ज़्यादा फ़ोटो खींचने के लिए। हम इंडियंस हैं ना, जो यहीं कहीं भी बाहर जाते हैं, ऐसे न्यू जगह जाते हैं, तो उधर तो ढेर सारा फ़ोटो खींचते, नहीं तो हमें अच्छा नहीं लगता, पैसा वसूलने लगता है। तो ये देखिए हमारा भाई इधर कितना अच्छा चिकन को ग्रिल कर रहे थे, और बहुत ही जूसी, अंदर से बहुत ही जूसी लग रहा था और बहुत ही टेस्टी था। तो बच्चों का भी इधर खेलना हो रहा है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना होता है, तो बच्चे भी देखिए बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे रेत के साथ खेल के, कितना मतलब टेम्पल बना रहे थे। और ये जो आता है ना एनिमल्स का प्लेट वगैरह, वो सारे से इसे रेत में बना रहे थे। इधर जल परी जैसे इधर इसको बना रही हूँ मैं। तो देखिए बच्चों के साथ भी थोड़ा खेलना हो गया है। Thank you.
अरे अरे बंद होने बा कहीं वीडियो बंद हो हाथ होता है अरे जहाज भी आसाना सियाँ सर बोटा आसा मुझे दौर आसना मुझे पानी में ढेर सारी मस्तियां हुआ हमारा। तो मुझे पता है आप सबको ये सारा फोटो वीडियोस देख के आप लोगों के फेस पे भी स्माइल आ गया होगा हम लोगों की तरह, क्योंकि अभी ये जो लॉकडाउन है ना इस टाइम पे तो कहीं भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं, बस यही सब पुराने पिक्स देख के एंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसा है, आप लोग देखिए हम लोग भी पुराने यादों को ताज़ा करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये ट्रिप। ये देखिए कितना पानी नीचे चला गया है, अभी मैं दिखा रही थी ना कितना ऊपर तक पानी था, हम लोग पैर में ऐसे स्लो मोशन कर रहे थे। तो ये देखिए हस्बैंड इधर खड़े हुए हैं, कितना नीचे पानी चला गया है। तो अभी दोपहर का टाइम हुआ है तो ये देखिए पानी पूरा चला गया है और फिर से इवनिंग को पानी आ जाएगा। तो हम लोग बारबेक्यू वगैरह वो सब करके खाना खाया और दिन भर वही खा के हम रहे, और पानी एकदम ब्लू ब्लू था। मतलब हम लोग जाते हैं ना वाटर पार्क वगैरह, उधर ऐसे आर्टिफिशियल पानी करते हैं पर इधर रियल पानी था, बहुत अच्छा लगा। और ये जो माउंटेन में ऐसे रॉफ का ये जो स्ट्रक्चर है ये भी बहुत अट्रैक्टिव है। तो ये हमारा पूरा फुल फैमिली का फ़ोटो है इधर। तो हमारे फ्रेंड्स वगैरह ऐसे बहुत टाइप का हम लोगों ने बनाया, फ़ोटो उठा रहे थे और बहुत डिफरेंट डिफरेंट पोज में उठा रहे थे। तो आप सब आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। तो देखिए तो अभी ये जो टाइम है इवनिंग का हो गया था, मतलब 4 बजे हो गया था। तो हम लोगों को पानी से निकल के आके अच्छे से ड्रेस वगैरह सारा सब कुछ चेंज करके रेडी हो गए, फिर से एक और ट्रिप फ़ोटो उठा लिया और अभी वापस जा रहे हैं घर को। तो सूरज देखिए अस्त होने जा रहे हैं, सनसेट होने जा रहा है। तो अभी हम लोग पूरे टायर्ड हो गए थे, बस घर पे जाके एकदम सो जाने का मन कर रहा था। तो ये ट्रिप एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट है, कभी नहीं भूलेंगे इसको। और हमारा ये जो ट्रिप फैमिली मेंबर्स वगैरह वो सारे सबको किसी को भी नहीं भूल पाएंगे। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और जो भी न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव गाइस, बाय।